बिहारी न्यूज के आज के सेगमेंट कुर्सीनामा में हम बात करेंगे बिहार सरकार के मंत्री यानी कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बारे में। क्या नीतीश कुमार या फिर कह लें तेजस्वी यादव का लगाम जो है अपने मंत्री से कमजोर होता जा रहा है। हमारे साथ हैं सिमरनजीत सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इनसे हम जानेंगे चंद्रशेखर को लेकर, उनके विवादित बयान को लेकर और सरकार का जो है उन पर क्या इकबाल कमजोर होता जा रहा है, इन तमाम मुद्दों से जुड़ेंगे। तो बताएं क्या लग रहा है आपको चंद्रशेखर के जो हालिया बयान है रामचरितमानस को लेकर या फिर उससे पहले के जो बयान है रामचरितमानस को लेकर, उससे सरकार की कितनी किरकिरी होती दिख रही है? देखिए रत्न सिंह, जो प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ दो विवाद जुड़े हैं। सवाल सिर्फ रामचरितमानस से जुड़े हुए विवाद का नहीं है। अभी नीतीश कुमार ने उनको बिहार विधानसभा के अंदर सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए चेताया, या नीतीश कुमार का जो अंदाज है उस मामले में उन्हें नसीहत दी कि किसी भी विभाग की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो बिना कैबिनेट में पास हुए उस मामले को बाहर लेके नहीं जाना चाहिए। और ये जो सातवें चरण की शिक्षक नियुक्ति, अगर मैं सही हूँ तो उन्होंने बिना कैबिनेट में आए इसको बाहर में सार्वजनिक कर दिया, लीक कर दिया, मतलब मंत्री के स्तर से लीक हुई। तो नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर के उनको चेतावनी दी, एक तरीके से चेताया कि ऐसा नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार इस मामले को लेकर के इतने नाराज थे मंत्री से कि कैबिनेट की जब मीटिंग हुई तो उसमें इस मुद्दे को लाया ही नहीं गया। लेकिन मंत्री ने अपने स्तर से इस बात को कह दिया। हालांकि चंद्रशेखर ने ये कहा कि यह मिस्टेक था, गलती थी और गलती किसी से भी हो सकती है। लेकिन बात जब रामचरितमानस से जुड़े हुए विवाद की आती है तो उन्होंने शुरुआती दौर में तो ये कह दिया, रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों को लेकर, कुछ चौपाई को लेकर के अपने बयान दिए, लोगों ने इसे पसंद किया ना पसंद किया ये अलग की बात है। लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीतिक शैली है वो जाति धर्म की राजनीति से दूर रहे हैं। नीतीश कुमार चाहे जिस गठबंधन के भी साथ हों, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ भी रहे हैं तो जो उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि है उस पर उन्होंने कभी आँच आने नहीं दिया। और जब कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका गठबंधन हुआ तो जो उनकी विकास पुरुष की या सुशासन बाबू वाली छवि है या जो उनकी शैली है उस पर भी उसी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को वो करते रहे। तो ऐसे में नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते कि उनका कोई मंत्री जो उनके कैबिनेट में शामिल है वो इस तरीके की चीज़ों की को हवा दे। ये एक बात हुई जी। अब दूसरी बात हम बताएं कि कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, जो राजनीति के जानकार हैं, कि कहीं ना कहीं जो भाजपा की हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स है उसको भोथरा करने के लिए या उस पर हमला, उस जो दाम है ना उसको कमज़ोर करने के लिए मंडल और कमंडल की राजनीति पर जो है आरजेडी आगे बढ़ रही है। और प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बयान दे रहे हैं वो यूं ही नहीं है। कोई भी मंत्री, हम ये मान सकते हैं कि शायद इसमें नीतीश कुमार का पक्ष ना हो, नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहते हो कि उनका कोई मंत्री इस तरीके की चीज़ों को बोले, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की जो राजनीति है उसके हिसाब से जो विचारधारा आरजेडी की, हाँ, वो खांचे में फिट बैठ रहे हैं चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर कहीं ना कहीं हो ना हो ये बयान जो है अपने दल के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर ही दे रहे हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि तेजस्वी यादव हाल के दिनों में जब राष्ट्रीय जनता दल की कमान उनके हाथों में एक तरीके से गई, वो आरजेडी के सर्वमान्य नेता बने हुए हैं तो वो ए टू जेड की पॉलिटिक्स की बात करते हैं और ए टू जेड में तो सभी आते हैं। और उसमें रामचरितमानस की पर ये सवाल उठाना, ये बार बार उस पर, क्योंकि दोबारा फिर से चंद्रशेखर ने बोल दिया है। हाँ, दोबारा बोलने के बाद ही ये बात स्पष्ट हो रहा है कि भाई जब पहली बार ये बोले इतनी किरकिरी हुई सरकार की, उसके बाद अब फिर से बोल रहे हैं। बिल्कुल। और उनके जो मंत्रिमंडलीय सहयोगी हैं जो सरकार में हैं, जैसे डॉक्टर अशोक चौधरी हैं, उन्होंने भी लगातार चंद्रशेखर के बयान की निंदा की। जेडीयू के कई नेता विधायक विधानसभा में बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए उनको डिरेल बता रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन शिक्षा मंत्री का गड़बड़ हो गया है। उसके बावजूद चंद्रशेखर नहीं मानते हैं और फिर दोबारा बोल देते हैं कि भाई राम उसमें तो बहुत कूड़ा कचरा भरा हुआ है, उसको निकाल देना चाहिए। लेकिन जो सरकारी दल, जो गठबंधन है, जो सरकार चला रहे हैं बिहार में, आरजेडी कोटे से मंत्री हैं चंद्रशेखर, वो यह बात कर रहे हैं, पर जनता दल यूनाइटेड के जो विधायक हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस के भी जो विधायक हैं, वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप मंत्री हैं और आपको जो काम कहा गया है, जो जवाबदेही शिक्षा विभाग की दी गई है, आप उस पर बात करिए ना। आप यहाँ पर धर्मशास्त्रों पर
शास्त्रार्थ करने के लिए या उनका अर्थ निकालने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए आप नहीं बैठे हुए हैं, ये लगातार उन्हीं के सहयोगियों के द्वारा कही जा रही है, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर खामोश नहीं है। ऐसे में तो लगता है कि सचमुच तेजस्वी यादव के नियंत्रण से वो बाहर हो ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नियंत्रण से तो वो बाहर ज़रूर हैं। हमको तो लगता है मुख्यमंत्री के नियंत्रण से आरजेडी के जितने भी नेता हैं, हमको लगता है उनके कार्यकर्ता ही उनकी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं, आरजेडी के जो हैं खास करके, क्योंकि लगातार जैसे नीतीश कुमार ने कह दिया कि 25 का जो चुनाव होगा वो तेजस्वी के नेतृत्व में होगा, उसके बावजूद लगातार बयान सामने आ रहे हैं और यह जो बयान है वो विपक्ष को हवा देता है, विपक्ष को मजबूत करता है कि हम मुख्यमंत्री की बातों को नहीं मानते हैं। देखिए, किसी के कहने सुनने में कुछ नहीं है। आरजेडी का मतलब होता है लालू प्रसाद यादव, आरजेडी का मतलब होता है तेजस्वी यादव, और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने पूरे तरीके से नीतीश कुमार पर अपना भरोसा जताया है। लगातार लालू प्रसाद यादव उनको छोटा भाई बता रहे हैं, जो एक बार नीतीश जी आरजेडी के साथ आने के बाद वापस बीजेपी के साथ चले गए थे और रिश्तों में जो खटास आई थी वो अब महसूस ही नहीं होता है। मतलब लालू प्रसाद यादव के परिवार और नीतीश कुमार के बीच के संबंधों में इतनी मधुरता है कि कोई कुछ बोलता रह जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने तो अपना छोटा भाई घोषित कर दिया है, तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को अपना अभिभावक कहते आ रहे हैं, और तेजस्वी यादव यह तक कह चुके हैं कि जो नीतीश कुमार का विरोध करता है, जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलता है, वो बीजेपी का एजेंट है, चाहे वो किसी दल में हो चाहे उनके दल में ही क्यों ना हो। तो किसी के कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार में तेजस्वी यादव की पूरी आस्था है, लालू प्रसाद यादव की भी आस्था तो नहीं कह सकते, क्योंकि लालू प्रसाद यादव समकक्ष हैं नीतीश कुमार के और एक दूसरे के साथ बड़ा और छोटे भाई का रिश्ता रखते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश कुमार के हाथों में ही कमान दे दी है और एक तरीके से तेजस्वी यादव को जो कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने की बात जो है राजनीति में, वो नीतीश कुमार के साथ रह करके ही, ये लालू प्रसाद यादव ने कहा है। तो बाकी किसी के कहने सुनने में कुछ नहीं रखा हुआ है। आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन है वो इंटैक्ट है पूरी तरीके से, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व जो है वो साथ है। एक सवाल, आखिरी सवाल शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ है, तो क्या आपको क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री, जैसे मान लीजिए आरजेडी से उनको बनाया गया चंद्रशेखर को, प्रोफेसर चंद्रशेखर को, तो क्या वो बिहार के एजुकेशन सिस्टम को लेकर नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ अपना वोट बैंक देख रहे हैं, अपनी पार्टी का वोट बैंक देख रहे हैं? चंद्रशेखर जो हैं एक शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर हैं ऑलरेडी, अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो बिहार बजट भी आया है आप उसमें लगातार देख सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग है उसको लेकर के कई तरीके की घोषणाएं हुई हैं, रोज़गार को, शिक्षक बहाली को लेकर के कई घोषणाएं हुई हैं, जो अलग अलग कॉलेजेस हैं उनको लेकर के भी बात हुई है। हाँ, शिक्षा की व्यवस्था जो बिहार में है उसमें एक चीज़ में थोड़ी कमज़ोरी है, वो यह है, थोड़ी क्या बहुत बड़ी कमज़ोरी है, कि जो राज्य के कई विश्वविद्यालय हैं उनका सेशन लेट चल रहा है, बहुत समस्या है। लेकिन जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उन पर शिक्षा मंत्री का बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि जो विश्वविद्यालय हैं जो उनके कुलपति होते हैं या चांसलर होते हैं वो गवर्नर होते हैं, तो ऐसे में शिक्षा मंत्री का बहुत रोल नहीं है, लेकिन जो उनको करना चाहिए वहाँ पर तो वो कर रहे हैं। हालांकि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो विरोध कर रहे हैं इनका, और कोई बहुत बड़ी उपलब्धि शिक्षा मंत्री की सामने आई अभी तक नहीं है। ऐसे में वो लगातार आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं और कई लोग उनको सलाह दे रहे हैं कि आपको जिस काम के, खुद उनके गठबंधन के लोग, उनके अपने ही विधायक, कि जिस काम के लिए आपको रखा गया, जो आपका दायित्व है, आप उसको पूरा करिए, न कि आप किसी धर्म ग्रंथ का बैठकर अनुवाद करिए। हमें लगता है कि शिक्षा मंत्री को जैसे यूनिवर्सिटियों में जो सेशन लेट चल रहा है उसको लेकर राज्यपाल से सीधे बात करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए कि भाई देखिए बच्चों का सेशन है, 5-5 साल ग्रेजुएशन में लगता है, ऐसे में शिक्षा मंत्री को इस तरह के उरुल जरूर के बयानों से बचते हुए कम से कम शिक्षकों को लेकर, बच्चों को लेकर जो है राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि चंद्रशेखर के बयान का जहां कई लोग विरोध कर रहे हैं तो कई लोग उनके समर्थन में भी है, खास करके जो दलित संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं वो डंके की चोट पर चंद्रशेखर के साथ, और चंद्रशेखर के बयान की हवा सिर्फ बिहार में ही नहीं है बगल के उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, पूरा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप देख सकते हैं कि लगातार वो हमलावर हैं। हालांकि अगर आप एक देशवासी की दृष्टि से देखिए, एक भारतीय के नजरिए से देखिए,
रही है, तो शायद ऐसी चीज़ों पर बहस नहीं होनी चाहिए। इनसे समाज में कटुता और विद्वेष बढ़ता है और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो काम उनको दिया गया है उनको उसी काम को करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बिहार में वाकई शिक्षा मंत्री के पास अभी बहुत काम है और शिक्षा में सुधार के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत भी है। तो आज का ये पूरा सेशन कुर्सीनामा का, जो कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के उस विवादित बयान को लेकर था, आज यहीं पे समाप्त होता है। हम एक नए एपिसोड में आप कुर्सीनामा में जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।